धार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुनावर एसडीओपी धीरज बब्बर और मुनावर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार द्वारा लगातार अवैध कार्यों पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले ही अवैध हथियार बनाने वाले कारखाने पर दबिश देकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब 37 लाख का हरा गांजा पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर पिपलिया खुर्द में मुनावर थाने की टीम द्वारा 630 नाग गांजे के पौधे जब्त किए, जिनकी कीमत 37 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी सीताराम आप सिंह वास्केल ग्राम पिपलिया खुर्द के घर के पास से 190 गांजे के पौधे जब्त किए गए और दूसरा आरोपी दिनेश ओमकार वास्केल ग्राम पिपलिया खुर्द के खेत से 440 नग हरे गांजे के पौधे जब्त किए गए। वहीं पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त कार्यवाही में मुनावर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार और उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दार श्री मनोज सिंह साहब, एडिशनल एसपी श्री इंद्रजीत बाकलवर साहब के द्वारा जो है अवैध शराब, अवैध अस्त्र एवं मादक पदार्थों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। और इसी तारतम्य में थाना मनावर को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुलिस के द्वारा दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और इनसे करीब जो है 250 किलो हरा पेड़ का जो गांजा है, जिसमें पेड़ लगभग 630 नग पेड़ पुलिस के द्वारा जो है जब्त किए गए हैं गांजे के, और इसकी जो पूरी मात्रा है वो करीब कीमत जो है वो 47,64,000 के मूल्य की जो है यह गांजा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। ये जो गांजा है ये पुलिस के द्वारा, ये गांजा पिपलिया खुर्द ग्राम है। ये जो दो आरोपी है इसमें पहला आरोपी सीताराम पिता आप सिंह वास्कले है और दूसरा आरोपी दिनेश पिता ओंकार वास्कले, इनके बॉर्डर से पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। मनावर से फिरोज खान की रिपोर्ट।